हाई एवरी वन वेलकम टू कारण क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इस प्ले लिस्ट में मैं कवर करवा रही हूँ आपको जेके एस प्रम्स का एक क्रैश कोर्स ठीक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री जैसे हमारा एंशियंट हिस्ट्री और कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा देन वील मूव ऑन टू द मिडीवल वन ठीक है एंड जल्दी मैं आपको जेके एस फिल्म की एक टेस्ट सीरीज के बारे में नोटिफाई कर दूंगी वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वो जेके पी एस सी के स्टैंडर्ड की होगी एंड ना कि यूपीएससी के ऑल तो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कहीं भी मिल जाती है ऑनलाइन लेकिन वो आपके लिए के एस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती है तो जो टेस्ट सीरीज मैं डिजाइन कर रही हूँ वो सेप्टेम्बर से टेस्ट स्टार्ट होंगे एंड आपको हर वीक पे मैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स हम क्या करेंगे डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट रखेंगे एंड फिर फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट भी उस टेस्ट सीरीज में होंगे फाइन तो आप अपना जो रिविजन है वो इस टेस्ट सीरीज के साथ ही अलाइन कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया ठीक है आपको एंशंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग हमने पेलियोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक वाला एरिया पढ़ लिया फिर प्लस हमने चालकोलिथिक एज देखा जिसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है उसमें से एक कल्चर जो है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमने वैदिक टाइम देखा वैदिक टाइम को अगेन हमने दो में डिवाइड किया एक आपके ऋग्वेद हुआ एंड एक आपका लेटर वैदिक पीरियड हो गया ठीक है तो ये सारा खत्म होने के बाद हमारे पास एक नया आप बोलो एक टाइम आता है या टाइम आती है हमारे पास जहा हमारे पास आएगा फाइनली एक स्टेट फॉर्मेशन अभी तक ये जितना भी हमने पढ़ा ये सारा ये क्या था एक ट्राइबल कैरेक्टर का था हमने इनकी पॉलिटी देखी ट्राइबल पॉलिटी इन नेचर ठीक है जैसे हम करंट फॉर्म में स्टेट देखते हैं वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले तो उस स्टेट का स्टार्ट होना इनिशियल फेज जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ वो जिस पीरियड से स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं उस टाइम को महाजनपदास महाजनपदास तो महाजनपदास एक्चुअली uh, वो जगह है उस टाइम की जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स इम्पोर्टेंट सिटीज कंसिडर की जाती थी ठीक है महाजनपदास तो कोई सिक्सटीन महाजनपदास जो थे सिक्सटीन ऐसे प्लेसेस जो काफी इम्पोर्टेंट थे एंड डिफरेंट टेक्स्ट्स में हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है सिक्सटीन महाजनपद आप देखते हैं कुछ इसका जो लिखने वाला है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं इसका पीडीएफ आपको फ्री में, में मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं या आप मेरे साथ साथ खुद के भी नोट्स बना सकते हैं दिस इज योर महाजनपद दिस वाज़ अ टाइम ऑफ अर्ली स्टेट फॉर्मेशन अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इससे पहले क्या था हमने देखा ट्राइबल इन कैरेक्टर ट्राइबल पॉलिटी प्रेजेंट थी लेकिन जो स्टार्ट होगी हो तो तो इसमें थोड़ा पहले महाजनपदास कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट जगह थी कौन कौन से महाजनपदा थे उनके बारे में उनके नाम एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जगह है एंड इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं इस सारे फेज के उनको हम डिस्कस करेंगे ठीक है ये जो टाइम था इंडिया का काफी अच्छा ग्लोरी वाला टाइम था एंड इसको इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन तो पहली अर्बनाइजेशन हमने कहा देखी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंड आपकी सेकेंड अर्बनाइजेशन इज ये महाजनपदार्थ ठीक है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देती हूँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुतारा नितकाया अंगुतारा नितकाया ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें हमें मिलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्स महाजनपद महाजन पदार्ज ठीक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए ये चीज इंपॉर्टेंट है अब वो कौन कौन सी जगह हैं वो हम देखते हैं वो महाजन कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लो मैं यहाँ पे उनकी एक लिस्ट बनाती हूँ तो आपको एटलीस्ट अगर आपको सारा याद नहीं रहेगा बट गो थ्रू देम ठीक है जब भी आपे notes revise करो ऐसे क्या होगा कहीं ना कहीं आपके जो मेमोरी में है ये सारी चीजें रिटेन करोगे एंड एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखते हो चार ऑप्शन तो वहां पे फिर ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लिक करती हैं ठीक है थीके? तो एक बार ये देख लेते हैं सिक्सटीन महाजनपदास कौन से हैं मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं क्योंकि सिर्फ टाइम ही कंज्यूम करता है लिखना अलग से आपको बस ये याद करने ही अगर आपको इतने सारे याद भी नहीं होंगे पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी जो है वो प्रेजेंट डे किस सिटी से जानी जाती है किस नाम से ठीक है एंड जस्ट गो थ्रू देम वंस बार बार ही नजर देते रहोगे देते रहोगे एग्जाम में अगर आ, चार ऑप्शन में से कोई ऐसा एक ऑप्शन होगा तो यू विल बी एबल टू कैच ठीक है अंगाम महाजनपदा दैट इज प्रेजेंट डे चंपा वो कहाँ पे है आपके बिहार में मगदा इज योर प्रेजेंट डे राजगृह बिहार गंधारा इज य तक्षशिला इसको टेक्जिला भी बोलते हैं ये पाकिस्तान में है कंबोजा इज योर राजपुरु अगेन पाकिस्तान मत्सिया इज योर इज इन राजस्थान दैट इज योर अवंती इज उसमें दो साइट्स थी वहां पे उज्जैन एंड महिस्मती ठीक है और ये कहाँ पे है दोनों राजस्थान में आगे देखते हैं असाका इज पोर्टन करंडे दे पोर्टन दैट इज इन साउथ ठीक है आंध्र प्रदेश में तो ओनली महाजनपदा दैट वाज फाउंड टुवर्ड्स दी दैट वाज फाउंड इन द साउदर्न ऑफ इंडिया दैट इज इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वो था आपका असर का ठीक है साउथ में कहा था ये एपी में चेडी इज युक्तमती एमपी काशी इज वाराणसी यूपी कुसाला इज सरस्वती यूपी ये कौन सी वाली जगह जहां पे आपका अयोध्या है पंचाला इज अछत्रा यूपी कुरु इज हस्तिनापुर यूपी वस्ता इज कौसम्बी अगेन यूपी मला कुसेनारा यूपी वाजी इज सुरसेना विशाला बिहार यूपी ठीक है तो ये सिक्सटीन नोइंग एंड यू शुड नो कि उनको प्रेजेंट डे किस नाम से बुलाया जाता है तो ये हो गया आपके महाजनपदाज का थोड़ा इंट्रोडक्शन अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो मगधा एम्पायर है ठीक है लेकिन उससे पहले इस पेज को मैं एक बारी डाउनलोड कर लेती हूँ यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं इसको इरेज करूंगी एंड देन स्टार्ट द न्यू महाजनपद दैट इज मगध मगधा कंसिडर की जाती है फर्स्ट एम्पायर ठीक है तो पहले मैं इरेज कर लेती हूँ तो आपको जो इसका पीडीएफ है वो मैंने इस बोर्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है वो आपको कहाँ से मिलेगा वो आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट से जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे पेस्ट कर दी है अब हम स्टार्ट करेंगे मगधा मगधा इज यर्स्ट एम्पायर ठीक है तो मगधा बेसिकली कहां पे है दिस इज यूस्टर्न बिहार ईस्टर्न बिहार अब वो पार्ट कहां से आता है ईस्टर्न बिहार वो आता है आपके साउथ ऑफ झारखंड साउथ ऑफ झारखंड ठीक है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बिल्कुल आपको मैप यहाँ पे लोकेट नहीं करना है अगर मेंस में आता है कोई ऐसा क्वेश्चन तो आप मैप से दिखा सकते हो पर यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो ईस्टर्न बिहार साउथ ऑफ झारखंड दैट इज योर मगद एम्पायर तो ये जो सारा महाजन पदार्ज है और दूसरी अर्बनाइजेशन इंडिया की ये आपका वही नॉर्दर्न बेल्ट है आप देखो सारी सिटीज जो अभी तक हमने पढ़ी देर कंसनट्रेटेड अराउंड यूपीएन एमपी सिर्फ एक ही है जो आपको साउथ में मिलेगी दैट इज योर पोतन ठीक है वो साउथ में कहाँ पे आंध्र प्रदेश में एंड क्या नाम था उसका वहां उस टाइम पे असक फाइन तो पहला प्रॉमिनेंट रूलर जो था अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर प्रॉमिनेंट रूलर रूलर मगध एम्पायर का ही वॉज नोन एज बिम्बिसारा बिंबिसारा ठीक है बिंबिसारा बिलोंग टू विच डायनेस्टी बिंबिसारा बिलोंग टू हरियाणका डायनेस्टी हरियाणका डायनेस्टी ठीक है बिम्बिसारा किसका कंटेम्प्रेरी था दैट मीन्स वो टाइम जिस टाइम पे बिम्बिसारा रूलर था वो टाइम किस इंसान से जाना जाता था ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा तो ये जो क्वेश्चन है ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा ये बोथ यूपीएससी प्री एंड जेके पे पीएससी प्री में पहले आ चुका है ठीक है ये पहला प्रोमिनेट रूलर था फाइन आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होंगी ये फर्स्ट इंडियन रूलर था फर्स्ट इंडियन रूलर विद स्टैंडिंग आर्मी अभी तक अगर आप रिकॉल कर पाओ मैंने आपको क्या बोला कि पहले आर्मी जो है वो ऐसे स्टैंडिंग आर्मी जैसे रिजर्व आर्मी अभी होती है हर कंट्री की होगी हमारी रिजर्व फोर्सेस हैं बाकी कंट्रीज की भी हैं, लेकिन जो अभी तक हमने वैदिक पीरियड तक पढ़ा तो उनके पास ट्राइबल मलेशिया देवर हैविंग द कैरेक्टर ऑफ ट्राइबल मिलिशिया दैट मीनस ऐसे कोई रिजर्व नहीं है कोई लड़ाई हो तो ट्राइब के लोग ही चले जाए लड़ाई करने के लिए अलग से कोई आर्मी का डिपार्टमेंट या कोई रिजर्व आर्मी आपके पास नहीं थी ये कब से स्टार्ट हो गया ये स्टार्ट हो गया महाजनपदा से मगधा जो फर्स्ट एम्पायर कंसिडर की जाती है जिसके फर्स्ट रूलर थे बिंबसारा तो का ही बिलोंग टू हरियाणका डायनेस्टी एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा ठीक है एंड ये जो बिंबिसारा है ही रिसीव्ड काशी एज डाउरी ठीक है तो ऐसे ही महाजनपदा कोई डाउरी में दिया कहीं पे क्या किया किसी को कॉन्कर किया फाइन तो इसने रिसीव किया काशी को एज डाउरी एक बार यहाँ पे थोड़ा उसको करेक्ट कर देती हूँ फर्स्ट इंडियन रूलर ठीक है ही रिसीव्ड काशी एज डाउरी उसके बाद उन्होंने कॉन्कर कौन सा पार्ट किया ही कौंकर अंगा महाजनपदा जो हमने अभी पढ़ा था ठीक है अंगा महाजनपदा को उन्हें कांकर किया मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगी अंगा महाजनपदा को कंकर किया एंड काशी उनको मिली दहेज में डाउरी में ठीक है उनके कोर्ट का फिजिशियन था हिज कोर्ट फिजिशियन इस कोर्ट फिजिशियन उसका नाम था जीविका ठीक है एंड ये जो इंसान था बिंबे सारा ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन अजत शत्रु अजत ठीक है फिर अजत शत्रु के बारे में थोड़ा देखेंगे उससे पहले एक क्विक एक रिविजन करते हैं मगधा हमने देखा फर्स्ट एम्पायर ईस्टर्न बिहार साउथ ऑफ झारखंड में इसका पहला प्रोमिनेंट रूलर था बिंबिसारा ठीक है बिंबिसारा बिंबिसारा वाज़ द फर्स्ट प्रोमिनेट रूलर मैं बार बार रिवाइज रिपीट इसलिए कर रही करी ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें रजिस्टर हो जाए एंड ये जो बिंबिसारा था ही बिलोंग टू हरियाणका डायनेस्टी ठीक है एंड दिस बिम्बिसारा ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा दैट मीनस ये उस टाइम में प्रेजेंट था जो टाइम किसके लिए जाना जाता है बुद्धा के लिए ये फर्स्ट इंडियन रूलर था जिनके पास क्या थी एक स्टैंडिंग आर्मी थी इससे पहले हमने देखा ट्राइबल मिलिशिया उनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी स्टैंडिंग आर्मी कब से स्टार्ट होगी आपके मगधा एम्पायर फर्स्ट एम्पायर से अब इनको कुछ दहेज में मिला था कोई चीजें इन्हें कंकर की थी ठीक है तो दहेज में इनको क्या मिला था दहेज में इनको काशी मिला था एंड इन्होंने कंकर किया था अंगा महाजनपदा ठीक है उनके कोर्ट फिजिशियन का नाम था जीविका एंड ये जो बिंबिसारा है ही किल्ड स्किल्ड हिज ओन सन जिनका नाम था अजत शत्रु ठीक है अब अजत शत्रु के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो अजत शत्रु है अजत शत्रु ही ग्रेट कॉन्कर उन्हें भी काफी कुछ कॉन्कर किया था ही कंकर वजी एंड कुसाला तो पहले मैंने आपको जो सिक्सटीन महाजनपदाज है वो सारे बता दिए ठीक है अब हम देखेंगे किस रूलर ने कौन सा एरिया कांकर किया था वाजी एंड कुसाला महाजनपदा किन्ने कांकर किया था अजत शत्रु ने अजत शत्रु किसके बेटे थे बिंबिसारा के बिंबिसारा का एक कोर्ट फिजिशियन था उसका नाम जीविका था और बिंबिसारा जो है उनको काशी मिला था डाउरी में और उन्होंने कांकर किया था अंगा महाजनपदा ठीक है और ये पहले इंडियन रूलर थे जिनकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया एक पहले रूलर थे जिनकी स्टैंडिंग आर्मी थी इसकी वजह से इनको बोला जाता है श्रेणिक बिंबिसारा दैट इज वाई ऑल्सो कॉल्ड श्रेनिक बिंबिसारा श्रेणिक होता है कोई ऑर्गेनाइज चीज ठीक है श्रेणिक फिर हम पहुंचे आद, इनको मारा इनके बेटे ने जिनका नाम है अजत्य शत्रु अजत्य शत्रु ने कंकर किया वजी एंड कोसाला ठीक है ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कंकर आगे देखते हैं

का एंड दूसरे को बोलते हैं राठम मुसला राठा राठमसला ठीक है ये दो चीजें जो थी मिलिट्री डिवाइसेस ही इन्वेंटेड थे अब आप सोच रहे हो ये दो चीजें क्या होती हैं तो आप ज्यादा सोचो नहीं मैं आपको बताऊंगी महासिलंता बोलते हैं कैटेपुलट को कैटेपुलट क्या होते हैं वो गुलेल होते है ना इससे पत्थर रख के मारते हैं तो हु इन्वेंटेड दैट अजतु जो बेटे थे बिम्बिसारा के जो बिलोंग करते थे, का, को, जो पहले रूलर थे और का नाम था जीविका उनके बेटे थे अजित शत्रु अजित शत्रु ने अपने बाप को खुद मारा था अजत शत्रु इन्वेंटेड टू मिलिट्री डिवाइसेस महासिलंता कैटापुलट एड सेकेंड वन वॉज दिस इज योर बुलडोजर बुलडोजर था ठीक है ये दो चीजें इन्हें बनाई थी अब अजत शत्रु जो है ही फॉलोड बुद्धिज्म ठीक है ये हो गया ये 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 अजत शत्रु फॉलोड बुद्धिज्म बुद्धिज्म के पैटर्न थे बुद्धिज्म फॉलो करते थे जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनकी चार काउंसिल हुई थी ठीक है फोर इंपॉर्टेंट काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म रिलीजन की बुद्धिस्ट काउंसिल उनको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो जो फर्स्ट काउंसिल है वो अजत शत्रु के टाइम पे हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजत शत्रु के टाइम पे हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहां पे हुई थी एट राजगृह एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय बुद्धिस्ट सेंट महाकसपा महा का ठीक है तो अजत्य शत्रु किसके बेटे थे फिर से रिवाइज करवाती हूं। शत्रु थे बिंबिसारा के बेटे बिंबिसारा पहले रूलर थे मगध एम्पायर के ठीक है पहले प्रोमिनेट रूलर फर्स्ट इंडियन रूलर जिनकी स्टैंडिंग आर्मी थी दैट इज वाईज कॉल्ड श्रेणिक बिंबसारा उनको दहेज में काशी मिला था एंड उन्होंने कंकर किया था अंगा महापदा उनके कोर्ट फिजिशियन का नाम था जीविका उनके बेटे थे अजत शत्रु, शत्रु, शत्रु मिलिट्री डिवाइसिल ऐसे याद रख लो ए से अजत शत्रु ए के बाद क्या आता है बी बी से हो गया बुद्धिज्म एंड ए होता है पहला तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी अजत शत्रु के टाइम पे राजगृह में एंड उस टाइम पे कौन से बुद्धिस्ट सेंट वहां पे थे महाकसपा ठीक है ये सारी चीजें अब आ जाते हैं अजत शत्रु के बेटे पे अजत शत्रु वॉज किल्ड हिज ओन सन जैसी करनी वैसी बरनी उन्होंने मारा बिंबिसारा को बिंबसारा ने मारा उन्होंने मारा बिंबिसारा को इनको मारा इनके बेटे ने अजत शत्रु वॉज बाय हिज ओन सन उनका नाम है उद्दयन ठीक है उद्दयन ने क्या किया ही सिटी ऑफ पाथलिपुत्रा एज द न्यू कैपिटल पहले कौन सी थी अजता शत्रु के टाइम पे राजगृह इन्होंने क्या किया इस्टैब्लिश्ड पाथलिपुत्रा एज द न्यू कैपिटलिश पातलिपुत्रा as the new capital ठीक है ये हो गया हरियाणका डायनेस्टी थोड़ा फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं हमने पढ़ा का डायनेस्टी कहा से बिंबिसारा से ही कंटेम्प्ररी और बुद्धा फर्स्ट इंडियन रूलर विद स्टैंडिंग आर्मी इतनी बारी मैंने बार बार बोला ताकि ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए रिसीव काशी एज डाउरी एंड कंकर्ड अंगा महाजनपदा उनके कोर्ट फिजिशियन का नाम था जीविका ठीक है एंड ही वॉज स्किल्ड बाईज ओन सन अजत शत्रु अजत शत्रु दो चीजों की वजह से फेमस है अजत तो शत्रु के टाइम तो पे हुई थी राजगृह में एंड इट वॉज प्रोजाइडेड बाई बुद्धिस्ट सेंट महाकसपा ठीक है अजत्य शत्रु वो स्किल्ड बाईज ओन सन जैसी करनी वैसी बन, बननी तो उदयन डायन याद रख लो डायन ने अजत् शत्रु को मारा एंड एस्टैब्लिश किया पातली को एज द न्यू कैपिटल ठीक है उसके बाद का डायनेस्टी को ओवर किया दूसरी डायनेस्टी ने जिसको बोलते हैं सिसुनगर डायनेस्टी ठीक है इन्होंने अपना पावर और फर्दर एक्सटेंड किया तो अवंती जैसे अवंती हमने पढ़ा है महाजन बदा वो भी एक थे तो वहां तक इन्होंने एक्सपैंड किया ठीक है तो इसको मैं पहले एक बारी सेव कर लेती हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड एक साथ डाउनलोड नहीं होता है तो मुझे ये एक एक पेज बाय पेज डाउनलोड करना पड़ता है ठीक है तो पहले हम इसको इरेज करेंगे थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं तो अगर आपको केस प्रम्स की सीरीज के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको अपना नंबर दे 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 देती हूँ एंड आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपको कंफर्टेबल रहे तो जो का डायनेस्टी है हरियाण का डायनेस्टी वॉज ओवर थ्रोन बाय डायनेस्टी ठीक है अब सिसुनागा में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हुई वो हम यहाँ पे देखेंगे सिसुनागा के रूलर थे कलासो का कलासो का उन्होंने बनाया वैशाली को अपना कैपिटल फाइन तो पहले क्या कैपिटल था उदयन ने किसको बनाया था उदयन ने बनाया था पातलिपुत्रा को तो यूपी याद रख लो यू से उदयन उदयन ने किसको बनाया था पी से पातलिपुत्र ठीक है और इन्होंने क्या किया सिसुनागा के रूलर थे कलासुका इन्होंने बनाया वैशाली को मैं यहाँ पे लिख लेती हूं सिसुनागा नगा रूलर कलासुका मेड वैशाली द कैपिटल ठीक है अब कलासुका के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड अब इन्होंने वैशाली को बनाया था तो ऑब्वियसली वैशाली में ही करते तो वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई एंड उस टाइम पे सेंट कौन थे सभा कामी सभा कामी तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी अजत शत्रु ए से हो गया वन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजत शत्रु ठीक है एंड वो कहाँ पे हुई थी वो राजगृह में हुई थी एंड इट वॉज प्रोजाइडेड बाय महाकसपा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कलासुका के टाइम पे वैशाली में एंड सेंट कौन थे सबाकामी ठीक है एंड बस इसमें मेरी यही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली फिर जो सिसु का ना सिसु नागाज दे वर रिप्लेस्ड बायपा दे वर रिप्लेस्ड बाय महापदमा नंदा जो महापद थे उन्होंने कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की दे एस्टैब्लिश नंदा डायनेस्टी तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और याद रखने के लिए ही वॉज द फर्स्ट शूद्रा मोनार्क शूद्रा तब तक जो एक लो कास्ट कंसिडर किए जाते थे तो पहले शूद्रा रूलर कौन थे महापद्मानंदा जिन्होंने स्टैब्लिश की थी नंदा डायनेस्टी फर्स्ट शूद्र मोनार्क ठीक है तो जो महापद्मा थे ही टुक द टाइटल ऑफ एकराज महापद्मानंदा टुक द टाइटल ऑफ एक राजाइटल राज राज. ये क्वेश्चन आए हैं ठीक है थीके? इनको आप निग्लेक्ट नहीं कर देना है स्किप नहीं करना है इस वीडियो को ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूं ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आ चुके हैं एंड के एस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ही ऑल्सो है टाइटल ऑफ सुरवक्ष त्रांतका सुरवक्ष त्रांतका उसका क्या मतलब हुआ किलर ऑफ ऑल क्षेत्रियाज किलर ऑफ ऑल क्षेत्रियाज एंड ही ऑल्सो फॉलोड जेनिज्म ही वॉज द फॉलोअर ऑफ है अभी तक बुद्धिज्म देखा था हमने वॉज द फॉलोअर ऑफ ये हो गया थोड़ा बहुत पहली मगधा के बारे में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मौरियन एम्पायर ठीक है उससे पहले हम मगध एम्पायर को एक बार ही वाइंड अप करते हैं अब मगधा जो है काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है आपने मगध एम्पायर देखा होगा फर्स्ट एम्पायर इंडिया की तो इंपॉर्टेंट ही होगी अब क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मगध जो है वो एक इंपॉर्टेंट एम्पायर कंसिडर की जाती थी वट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ मगध फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ मगध ठीक है तो वो क्या फैक्टर्स थे सबसे पहला लोकेशन मोस्टली यूपी बिहार एरिया जो मैंने अभी आप आपको सिक्सटीन महाजनपद एग्रीकल्चर अच्छा तो सर प्लस ट्रेड एंड ऑल वो सारी चीजें जो हमने इंडस वैली में पड़ी थी वो यहाँ पे भी आ गई तो साउंड इकोनॉमिक बेसिस मिला इसको फ्लरिश होने में ठीक है वहां पे हमारे पास आयरन और रिसोर्सिस थे अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और रिसोर्सेज ठीक है जब आयरन और था तो बेटर वेपन्स थे देयर फोर बेटर वेपन्स तो वेपन से क्या कर सकते थे वो एनिमीज को सप्रेस कर देते ठीक है फोर्थ उनके पास एलिफेंट्स ज्यादा थे तो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स तो वो एलिफेंट्स को आर्मी वगैरह में यूज कर देते थे ठीक है जो मगधा की कैपिटल है राजगृह दिस वाज ए वेरी पावरफुल कैपिटल राजगृह कैपिटल ठीक है इसको बाद में चेंज किया लेकिन पावरफुल कैपिटल रही है मगधंस की राजगृह ये जो राजगृह है ये इट वाज सराउंडेड बाय फाइव हिल्स Surrounded by five hills. Therefore, it is also called Girivarja. That means daughter of mountains. Okay. The second capital was, that was Patliputra. Second capital. Patliputra. It was surrounded by water on all sides. वाटर सराउंडेड तो जो चीजें आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं, देखो अगर किसी कोई माउंटेन्स के बीच में है, तो उस पर अटैक करना इतना इजी नहीं होगा अगर कोई रिवर के बीच में है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी वहां से ट्रेड अच्छा खासा होगा तो जो इनकी पावर जो कैपिटल्स थी वो काफी अच्छी अच्छी जगहों पर थी उसकी वजह से भी थ्राइव कर पाए थे ठीक है एंड इट वॉज रिलेटिवली अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी उतना ज्यादा रिलीजन का इनपे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था रिलीजस अनऑर्थोडॉक्स इट हैड लेस कास्ट सिस्टम यहाँ पे लिख देती हूँ लेस कास्ट सिस्टम ठीक है और जो उसके रूलर्स थे वो काफी एफिशिएंट एम्बिशियस रूलर्स थे ठीक है ये एक generic, generic सा पॉइंट है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना अगर कहीं कोई जगह काफी टाइम तक रही है फ्लरिश किए तो उसके जो रूलर्स हैं वो एम्बिशियस ही होंगे फाइन तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा महाजनपदा जिसमें हमने मगधा को डिटेल में पढ़ा एंड बाकी भी मैंने आपको बताए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोरियन एम्पायर जो आपने सुना होगा ना अशोक का वगैरह वो सारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें वो अब हम आगे जा, जाके पढ़ने वाले हैं ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें पढ़ने के लिए जो एग्जाम्स में आती हैं फिर साउथ के कुछ किंगडम्स है उनको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी चैनल पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अलग लेक्चर्स भी मिल जाएंगे वो मैंने जेके एस एस बी के लिए कराया हुआ है लेकिन पी एस सी के लिए थोड़ा उसमें अपडेशन इज रिक्वायर्ड वो मैं आपको टाइमली अपडेट कर दूंगी ठीक है एंड मेरे को अगर आ, अगर आपको प्रिलम्स टेस्ट सीरीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है तो टिल द टाइम है आप लोग न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे